घर पे बनाए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में फ्राइड राइस। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो हमेशा की तरह आप लोगों ने देख ही लिया है कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो बिल्कुल मार्केट जैसा ये रेस्टोरेंट स्टाइल में हम फ्राइड राइस घर पे बनाते हैं। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही क्विकली बन जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले हम इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये इन्ग्रीडियंट्स ले लिए हैं। ये ग्रीन अनियन, वाइट अनियन, कैप्सिकम, कैबेज, कैरेट, ये सब थोड़े थोड़े मैंने लिए है। ये दो ग्रीन चिली, 6 से 7 गार्लिक और एक मीडियम साइज़ की प्याज, और ये 1 कप बासमती राइस है। इसको 1 घंटे पहले धो करके अच्छे से भिगो लिया है और ये अच्छे से फूल चुका है। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स बनाते समय देख लेते हैं। तो ये गर्म पानी मैंने रख दिया पहले गर्म होने के लिए, और ये गर्म हो चुका है। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे ताकि हमारे चावल जो है खिले खिले बने। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इसे उबाल आने देते हैं। ये पानी में बॉयल आ चुकी है, अब इसमें हम चावल डाल देंगे। बहुत सावधानी से चावल डालें, इस वक्त पानी के छींटे पड़ते हैं। तो ये सारे चावल डाल दिए हैं और इसे 2.5 से 3 मिनट तक इसे पकने देते हैं। 75% पूरे नहीं पकाना है, सिर्फ 75% पकाना है। तो ये देखिए 2.5 मिनट हो चुके, अब हम देख लेते हैं कि चावल कितना पक्का है। तो ये देखिए बिल्कुल हमें जिस तरीके चाहिए उसी तरीके की चावल पक चुके हैं। तो अब इसको हम छान लेते हैं और एक बर्तन में फैला लेते हैं। चलिए अब एक नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो ये कढ़ाई ले लिया है, इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया। अब इसमें 2 अंडे फ्राई करके निकाल देंगे। तो एग फ्राइड राइस बना रहे हैं तो एग तो ज़रूरी है, तो इस एग को हम फ्राई करके निकाल लेना है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ज़्यादा नमक डालना नहीं है, हल्का हल्का नमक डालना है। आगे भी हमें नमक डालना पड़ेगा। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई कर लें। तो ये देखिए अंडा फ्राई हो चुका है, अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने निकाल लिया है एक बर्तन में। अब अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये 2 चम्मच ऑयल ले लिया है, इसमें लहसुन की कलियां काट करके डाल दिया है। ये 6 से 7 लहसुन की कलियां हैं। अब इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते, ज़्यादा पकाना नहीं है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, 1 मीडियम साइज़ के प्याज थे। चावल जैसे हमारे थोड़े ही थे तो इसलिए मैंने थोड़े ही थोड़ा इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं। आप अगर चावल की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं। और ये हरी मिर्च है, ये स्पाइसी हरी मिर्च है, ये 1 से 2 डालना है। और ये गाजर को अब हम डाल देंगे और इसे कुछ सेकंड के लिए पका लें, ज़्यादा ना पकाएं। अब इसमें हम पत्ता गोभी यानी कि कैबेज हम डाल देंगे, इसे भी कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं। और बाकी शिमला मिर्च और ये ग्रीन अनियन, वाइट अनियन, इन सबको डाल करके कुछ सेकंड के लिए हमें पकाना है। ज़्यादा कुक नहीं करना है, ये थोड़ा ही पका होता है। तो ये देखिए ये पक चुका है जितना हमें पकाना था। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। तो ये देखिए चावल कितने खिले खिले से हैं। अब इसे मिक्स कर लेने। बहुत ही आराम से मिक्स करें, चावल टूटे ना। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जैसे कि हमने पहले भी नमक डाला है, अंडे में भी नमक डाले हैं। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है। और ये
फ्राइड राइस मसाला है, आपके पास अवेलेबल हो तो डालें, वरना स्किप इसे कर सकते हैं। ऐसे मिक्स कर लें। मेरे पास फ्राइड राइस मसाला थी इसलिए मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम एक चम्मच सोया सॉस डाल देंगे और आधा चम्मच विनेगर डाल देंगे। आप चाहे तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो ये बड़ों को और बच्चों को भी पसंद आती है। अब इसमें फ्राई किए हुए जो अंडे मैंने रखे थे उसे डाल देना है। बस अब ये तैयार है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए ये तैयार है। अब इसको हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो आप भी ज़रूर घर में ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये देखिए बहुत ही डिलीशियस, बिल्कुल मार्केट जैसा रेस्टोरेंट स्टाइल में फ्राइड राइस। तो आप घर में इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो नेक्स्ट रेसिपी में मिलता है। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।